बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि राम रहीम की पैरोल का हिमाचल चुनाव कनेक्शन सामने है आया है और बीजेपी सरकार के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर सत्संग में पहुंचे हैं और जीत का आशीर्वाद मांगा है। राम रहीम की पैरोल का हिमाचल चुनाव के कनेक्शन है। बीजेपी सरकार के उद्योग एवं परिवहन मंत्री हैं विक्रम ठाकुर जो सत्संग में पहुंचे और उन्होंने वहां पर जीत का आशीर्वाद मांगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए रेप मर्डर ये तमाम जो दोष है वो है उनके ऊपर और अब सिर्फ पैरोल पर बाहर है राम रहीम। दिवाली से पहले प्रागपुर की नक्की खड में ये सत्संग कार्यक्रम हुआ था और यहाँ अगर मंत्री खुद पहुंच जाए उनका आशीर्वाद लेने तो जरा समझिए कि ये सब कुछ हो रहा है वो वोट के लिए नहीं हो रहा तो भला क्या हो रहा है। ये आशीर्वाद दरअसल वोट के लिए है। ये आशीर्वाद इसलिए है ताकि जो उनके अनुयायी हैं वो वोट दें। राम रहीम की पैरोल का हिमाचल चुनाव कनेक्शन अब साफ साफ नजर आ रहा है। इससे पहले देखिए राम रहीम को कब कब पैरोल मिली है। जब जब चुनाव हुए हैं चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो हरियाणा में हो तब तब पैरोल दी गई है। उससे पहले तीन बार दरअसल ऐसा हुआ है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। पहले ही राम रहीम पर तमाम गंभीर आरोप है, सजा याफ्ता वो है, पैरोल पर बाहर आए हैं, सत्संग राम रहीम कर रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह कि हरियाणा के चाहे हम बड़े बड़े नेताओं की बात कर लीजिए, मिनिस्टर्स की बात कर लीजिए, वो हाथ जोड़कर खड़े होकर नजर आते हैं। और देखिए अब तो किस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि हिमाचल चुनाव कनेक्शन सामने आ रहा है क्योंकि सरकार के परिवहन मंत्री विक्रम राठौर सत्संग में ठाकुर दरअसल सत्संग में पहुंचे। और हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोज तो हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं, ज्यादा दिन का वक्त बचा नहीं है लेकिन इसका सीधा सीधा कनेक्शन राम रहीम की पैरोल से जुड़ता हुआ इस लिहाज से नजर आ रहा है क्योंकि सरकार के परिवहन मंत्री सत्संग में पहुंचते हैं, जीत का आशीर्वाद देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो आशीर्वाद है वो वोटर्स में तब्दील हो। बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे थे हरियाणा के तमाम नेता विधायक वहां जाकर ऑनलाइन सत्संग में आशीर्वाद मांग रहे थे। अब हिमाचल प्रदेश के भी मौजूदा परिवहन मंत्री हैं विक्रम ठाकुर और देखिए किस तरीके से वो हाथ जोड़ खड़े हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं राम रहीम से जीत का। और ऑनलाइन ये सत्संग हुआ था दिवाली के पहले की, ये सत्संग आयोजित किया गया था जिसमें विक्रम ठाकुर पहुंचे थे और न केवल विक्रम ठाकुर बल्कि बहुत सारे और भी तमाम जो राजनेता हैं वहां स्थानीय वो भी वहां पर पहुंचे थे। और जैसा कि बार बार बताया भी जा रहा है अगर हम उसको देखेंगे कि बहुत सारे जो स्थानीय नेता हैं पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे लेकिन विक्रम ठाकुर का इस तरह से जाना तो ये दिखाता है कि राम रहीम का सीधा कनेक्शन हिमाचल चुनाव से भी है और बीजेपी खासकर इसका फायदा लेना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दूर समय नहीं बचा है मतदान के लिए तो ऐसे में राम रहीम का जो आशीर्वाद है इसकी जरूरत हिमाचल प्रदेश के नेताओं को भी पड़ रही है। मनोज क्या एक हत्यारे के सत्संग में एक हत्यारा एक बलात्कारी बाबा है राम रहीम और ऐसे में टाइम्स ऑफ नव भारत की तो मुहिम है कि राम रहीम को जेल भेजो वापस लेकिन दूसरी तरफ ये जनप्रतिनिधि है और जब जनप्रतिनिधि इस तरीके से नतमस्तक नजर आएंगे एक बलात्कारी के आगे एक हत्यारे के आगे तो क्या यहाँ से मैसेज जाता है जनता के बीच की ये उनके जनप्रतिनिधि है ये उनके हक की बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, परिवहन मंत्री रहे हैं 5 साल और फिर से चुनाव में जाने वाले हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से जो राजनीति है वो चलती है। राजनीति के लिए वोट बैंक के लिए विक्रम ठाकुर ये भी नहीं देख रहे कि जिसके आगे वो हाथ जोड़े खड़े हैं वो कौन व्यक्ति है, वो सजायाफ्ता मुजरिम है जिस पर दुष्कर्म दो हत्याओं के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, सजा काट रहा है, पेरोल पर बाहर है लेकिन उसका आशीर्वाद उनको चाहिए क्योंकि उनको पता है कि जीत के लिए राम रहीम के आशीर्वाद की जरूरत उनको पड़ेगी और उसके बिना जीतना मुश्किल है। तो इसीलिए तमाम आलोचनाओं के बावजूद तमाम जो नेता हैं वो वहां पर राम रहीम का आशीर्वाद देने उसके सत्संग में जा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, और बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी है लेकिन अब बीजेपी को जवाब देना होगा कि जिस बाबा का चरित्र ऐसा है जिसका चेहरा ऐसा है उसके चरण छूने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स आखिर जा क्यों रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा हरियाणा में देखा और अब हिमाचल से भी विक्रम ठाकुर और जानकारी ये भी आ रही है कि और भी बहुत सारे नेता हैं, ये हमारे पास तस्वीरें हैं दरअसल जानकारी है इसलिए हम बता पा रहे हैं लेकिन और भी कई नेता ऐसे हैं जो इन प्रकार की जो सत्संग हो रही है ऑनलाइन जगह जगह पर वहां पर जाते हैं और मंशा एक ही होती है इसमें। बार बार बीजेपी की तरफ से उनके नेताओं की तरफ से जब पूछा जाता है कि आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह पर तो वो कहते हैं कि ये आस्था का विषय है, वो वहां पर समाज सुधार की बातें होती हैं लेकिन दरअसल ये सिर्फ कहने की बातें, सिर्फ मुखौटा है, इसके पिछले असली सच्चाई वोट बैंक की राजनीति है। बहुत सारे फॉलोवर्स डेरा सच्चा सौदा के
हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहां पर खासा प्रभाव रखते हैं और ये बात तमाम राजनेता जानते भी हैं और इसीलिए उस वोट बैंक को कैश कराने के लिए, उसको भुनाने के लिए, राम रहीम के आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगा के इस वक्त खड़े हुए हैं। मनोज, इसीलिए मुझे लगता है, कहा जाता है ना कि राजनीति समय संभावना और संकेत का पूरा खेल है और समय आ चुका है हिमाचल प्रदेश का चुनाव और संभावना इन लोगों को नजर आ रही है कि राम रहीम के दरबार में हम जाएंगे, हाथ जोड़कर वहां पर खड़े रहेंगे तो राम रहीम उन लोगों को, उन जो उनके समर्थक के अनुयायी है, उन्हें संकेत देंगे कि जाइए आप इनको वोट कीजिए और इसीलिए ये वहां पर जा रहे हैं। लेकिन गंभीर सवाल खड़े होंगे और ऐसे में बीजेपी पर भी ये सवाल खड़े होंगे कि बीजेपी सत्ता में है, चाहे हिमाचल प्रदेश की हम बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें, उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो इस तरह के मंत्रियों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए या इस तरह के नेताओं पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए लगातार यही बात हो रही है कि आप देखिए टाइमिंग देखिए, तीन बार इस साल राम रहीम को पेरोल मिली है और तीनों बार कहीं ना कहीं चुनाव थे। फरवरी में जब वो फरलो पे बाहर था तब पंजाब विधानसभा चुनाव था, उसके बाद हरियाणा में नगर निगम चुनाव था और अब पंचायत चुनाव हरियाणा में भी चल रहा है, बाई इलेक्शन भी है और हिमाचल प्रदेश का चुनाव, अब सीधा कनेक्शन वहां से जुड़ रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो चुनावी कनेक्शन है बाबा की पेरोल का वो सामने आ रहा है। टाइमिंग काफी दिलचस्प है, चुनाव जब भी होते हैं तो बाबा जेल से बाहर होते हैं और इस तरह से सत्संग जब होता है उसमें समर्थकों के साथ तमाम राजनेता पहुंचते हैं आशीर्वाद देने के लिए और जो सत्संग होता है उसका नाम रखा जाता है दरअसल रूहानी सत्संग, लेकिन रूहानी सत्संग की बजाय इसको चुनावी सत्संग कह देना चाहिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे राजनेता आते हैं और खुल के मानते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। हमने कुरुक्षेत्र में देखा जब वहां थे, बात की लोगों से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना था कि अगर बाबा का आशीर्वाद मिल गया तो उनकी जीत सुनिश्चित है, कोई हरा ही नहीं सकता, 7000 वोट एक वार्ड में है। तो आप अंदाजा लगाइए कि चाहे पार्षद का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो या सांसद चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में बाबा की एक अहम भूमिका होती है और ये राजनेता अच्छी तरह से जानते हैं।